ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आपको यहाँ बहुत सुंदर नजारा मिलेगा। आप यहाँ पर अपने फोटो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, नदी और पहाड़ का संगम हमें जिस तरह यहाँ देखने को मिलता है, ऐसा नज़ारा हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से जो सामने नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। Are you ready? 3, 2, 1, time's up. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन सोनी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोटा का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट, जो कि है गडरिया महादेव, और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का, शिव जी का टेम्पल भी है। आज हम आपको यहाँ की सुंदरता दिखाएंगे और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर मेंबर क्या टिकट है और यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यह स्थान देखने में कितना समय लगता है और किस तरह हमें यहाँ चंबल नदी का यू टर्न देखने को मिलता है। आप यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो आप यहाँ क्या क्या ला सकते हैं, इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में ऐसे ही बने रहें, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको इसी तरह की नई नई वीडियो, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, गरड़िया महादेव कोटा से 25 किलोमीटर दूर कोटा चित्तौर रोड पर NH 27 पर है, जो कि डाबी से पहले मेन रोड पर बोर्ड लगा हुआ है। इसके लिए हमें लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ता है, यहाँ पे जहाँ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर, यहाँ से मेन रोड से 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ की बूंदी से 45 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, हम जैसे ही यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ टिकट की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बारिश भी आ रही है। पब्लिक यहाँ सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। यदि आप किसी त्यौहार पर यहाँ आते हैं तो आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप यहाँ टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो आप पहले अपनी ID प्रूफ अपने पास रखें, पैन कार्ड या आधार कार्ड रखें। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। आपको यहाँ जो भी पेमेंट करनी है सब कैश ही होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है हमारे पीछे। आज सोमवार होने की वजह से आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबी लाइन है। देखिए दोस्तों, यहाँ टिकट की लाइन भी लगी हुई है और कितनी ज़ोर से यहाँ बाहर बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से टिकट मिला। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक टिकट एक मेंबर का 137 रुपये है और हम 4 जने हैं तो 548 रुपये का टिकट हुआ है। यहाँ कार अंदर ले जाने का चार्ज 389 रुपये है, 389 रुपीज़। तो इसी तरह चारों जनों का टिकट और कार का पार्किंग चार्ज हमें सब मिला के 937 रुपये का पड़ा। यहाँ फॉरगेनर के लिए टिकट 872 रुपये का है और यहाँ इंडियन स्टूडेंट के लिए 53 रुपये हैं, लेकिन उसके लिए स्कूल या कॉलेज की ID साथ में लाएँ। अब हम यहाँ टिकट दिखाकर अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिलिट्री और वगैरह, यहाँ पर गार्ड वगैरह अंदर अच्छे से चेक करते हैं। यहाँ पर ये पूरा जंगल है और साथ में कच्चा रास्ता है। यहाँ पर जब शाम हो जाती है तो अंधेरे में यहाँ जंगली जानवर भी आने का खतरा बना रहता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और साथ में बारिश इतनी तेज़ है कि यहाँ पर रोड भी क्लियर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये पूरा कच्चा रास्ता, पूरा रास्ता पार करने के बाद अब हम हमारे स्थान, जो कि गडरिया महादेव, अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहीं इसी जगह पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। और यहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह है, यहाँ पर आप कहीं भी, यहाँ आपको जहाँ जगह मिले यहाँ पर अपन गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। हम आ चुके हैं दोस्तों गरड़िया महादेव। काफ़ी टाइम से बारिश थी, हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे इतनी देर से, आप देख सकते हैं। तो होंगे कोई दिक्कत।
हम जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो हमें चंबल नदी का सामने नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि यू टर्न की आकृति में बना हुआ है, और बारिश में इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आप यहाँ पर सर्दी या बारिश के मौसम में घूमने आए हैं और ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहा है। यहाँ हमें हर तरफ चट्टाने देखने को मिलती है। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ पर पानी की चादर चल रही है। ये सब अभी जो बारिश हुई है पहाड़ों पर से, पूरा पानी पहाड़ों से आ रहा है, अभी बारिश हुई है काफी। और अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप किसी भी मौसम में कभी भी आ सकते हैं। वैसे एंजॉय के हिसाब से यहाँ पर सर्दी और बारिश में नज़ारा अलग देखने को मिलता है, हरियाली और थोड़ी ठंडाई रहती है। दोस्तों आप इस जगह पर बड़ी सावधानी से चलें, यहाँ चट्टानों पर पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। चट्टानों से नीचे उतरने के बाद ठीक सामने मंदिर का स्थान प्रारंभ हो जाता है और हमें यहाँ सामने चप्पल जूते उतारकर मंदिर में सीढ़ियों के द्वारा प्रवेश करना होता है। दोस्तों आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये नीचे मंदिर में जाने का रास्ता है, यहाँ पर नीचे दर्शन करने जाने के लिए। और पीछे जो देख रहे हैं वो रिवर, वो चंबल फ्रंट चंबल नदी है। यहाँ पर जूते चप्पल खोलकर नीचे जाते हैं सीढ़ियों पर, अंदर भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर चप्पल खोल के जाना पड़ता है। यहाँ भी नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं काफी छोटी है और तो हमें यहाँ पर काफी सावधान होकर सीढ़ियाँ चढ़ना है और उतरना है। और दोस्तों यहाँ से जो सामने नज़ारा देखने को मिल रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ मंदिर खुलने का समय 5 बजे से और शाम को 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यह है दोस्तों मंदिर और यहाँ भगवान शिव जी की प्रतिमा है। यह भगवान महादेव जी का मंदिर है जो चट्टानों के सहारे है।
और यहाँ सामने प्राकृतिक झरना है जो हमेशा यहाँ पहाड़ों के बीच में से चलता रहता है, हमेशा पानी गिरता रहता है यहाँ पर। आप यदि साथ में अपने कपड़े लाते हैं तो आप यहाँ नहा भी सकते हैं ठंडे ठंडे बिल्कुल पहाड़ों के पानी में, झरने में। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. दोस्तों अब हम भगवान के दर्शन करके वापस ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ बंदरों को कुछ खाने का नहीं डालें, यहाँ सख्त बना है। और बंदरों से अपने सामान का ध्यान रखें, यदि हमारे पास इनको कुछ खाने का दिख गया तो ये उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं नीचे से दर्शन करके। ये नीचे से ऊपर आने का रास्ता है, पर ऐसे चट्टानों टाइप है पूरा ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर कोई रोड नहीं है, पूरा चट्टान है। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आपको यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा मिलेगा, आप यहां पर अपने फ़ोटो शूट कर सकते हैं। दोस्तों नदी और पहाड़ का संगम हमें जिस तरह यहां देखने को मिलता है, ऐसा नज़ारा हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट है दोस्तों, ये सामने जो चट्टान से आप नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ का सुसाइड पॉइंट है। इस जगह पर ज़्यादा पास नहीं जाएं और सावधान रहें, स्वस्थ रहें। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है मोबाइल नेटवर्क। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से एक पॉइंट आता है, वो भी उसमें भी फ़ोन नहीं लगेगा। कहीं अगर हम फ़ोन करना चाहेंगे तो यहाँ से फ़ोन नहीं लगता। दोस्तों आप यहाँ आएँ तो घर से ही खाना लेकर आएँ। यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की दुकान या कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई स्टॉल कोई दुकान कुछ भी नहीं है। और अगर आप साथ में कुछ खाना लाते हैं तो आप यहाँ पर इस जगह पर बैठकर कहीं नहीं खाएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बंदर हैं, आपको खाना नहीं खाने देंगे। इससे अच्छा आप जो ये रास्ते में अभी जो 1.5 किलोमीटर का कच्चा रोड है, यहाँ पर आसपास कहीं भी जगह देखकर, अच्छी सी जगह देखकर आप अपना भोजन कर सकते हैं। और साथ में कचरा यहाँ पर नहीं फेंकें, यहाँ कचरा डालने पर जुर्माना भी आपको लग सकता है।
अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और कोई अच्छी सी जगह देखकर हम भोजन करेंगे। दोस्तों दोस्तों हम घर से ही खाने का इंतजाम करके आए हैं पूरा। आज पिकनिक पार्टी यहाँ जंगल में ही होगी। हमें यहाँ से थोड़ा दूर चलने के बाद एक अच्छी जगह मिल गई है जहाँ हम अपना भोजन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का नज़ारा। अभी हमने आपको जो बताया पूरा वो गडरिया महादेव का पूरी गडरिया महादेव की वीडियो थी। आपको दोस्तों गडरिया महादेव का नज़ारा कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में नीचे करके। दोस्तों अभी 7 बज गई, अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और खाना पीना एकदम मस्त हो गया इस जंगल में। और अंधेरे में यहाँ पर जंगली जानवर आने के भी पूरे चांस रहते हैं यहाँ पर। आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।